दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। शिमला मंडल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील धर के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को क्लीनी के जंगल में पौधारोपण किया। अधिक जानकारी देते हुए पूर्व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि पिछले वर्ष बरसात के समय बहुत से पेड़ गिर गए थे, जिससे काफी नुकसान हुआ था, जिसके स्थान पर नए पेड़ के पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया है कि जब तक बरसात का मौसम है, तब तक जहां जहां आवश्यकता है वहां पर पौधारोपण किया जाए। वन महोत्सव हर वर्ष जब बरसात का मौसम होता है तो वो पूरे हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, देश के अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है। शिमला पहाड़ों की रानी कहलाती है और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन नगरी है। मुख्य रूप से शिमला की खूबसूरती इसके पेड़ में और इसके देवदार में है। विकास के साथ साथ जो है वो पेड़ कम होते जा रहे हैं, जिसके कारण मौसम में भी बहुत परिवर्तन होता रहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सभी कार्यकर्ताओं से जो है वो आग्रह किया है और उन्हें कि वो सब कम से कम एक पौधा इस बार जो है अवश्य लगाएं। शिमला मंडल भारतीय जनता पार्टी हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री सुनील धर जी, उनके नेतृत्व में आज पौधारोपण का ये कार्यक्रम जो है वो खलीणी के इस जंगल में जो है वो किया जा रहा है। ये भी बहुत घना जंगल हुआ करता था, लेकिन कुछ पौधे नेचुरल वे में जो है वो समाप्त हो जाते हैं और कुछ जो है वो विकास की दृष्टि से जो काटे जाते हैं उसके कारण खत्म हो जाते हैं। पिछले वर्ष बरसात के समय खलीणी में बहुत पेड़ जो हैं, खास करके देवदार के पेड़ जो हैं वो गिर गए थे, बहुत भारी नुकसान हो गया था। उसकी पूर्ति तो शायद जो है वो संभव नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत पुराने पेड़ थे, लेकिन उसके स्थान पर नए पेड़ जो हैं वो लगाए जाएं, इसका आज इनिशिएटिव जो है वो सबसे पहला कार्यक्रम शिमला मंडल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर किया गया है। इस क्षेत्र के हमारे पार्षद हैं पूर्ण जी, जो इसे पूर्व जो हैं वो पार्षद रहे हैं, उन्होंने सुशील चौहान जी ने, हमारे संयोजक यहाँ के हैं प्रवीण जी, विभूति जी और जियालाल जी, बालक राम जी, इन सब ने जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया। और बाकी स्थानों के भी जो हमारे पदाधिकारी हैं मंडल के, वो सब लोग भी आए यहाँ पर। महेंद्र अत्री जी हैं हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं इस क्षेत्र के, कुसुम सदरेट जी हमारी मेयर रही हैं, और अपने जियालाल जी हैं कुप्टा दौर से आए हैं, काकू जी और विद्या जी, और हमारे अनूप बैद जी जो हैं वो पौधारोपण कार्यक्रम के लिए आए हैं। पूर्व के हमारे अध्यक्ष हैं श्री शारदा राजेश शारदा जी, वो भी इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जो हैं आए हैं। मंडल द्वारा जो ये कार्यक्रम किया है इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये आज का एक कार्यक्रम है, इसको और अधिक जो है वो विस्तार दे करके जो है, जब तक बरसात का मौसम है तब तक जो है वो पौधे जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर अलग अलग स्थानों पर जो है वो पौधारोपण कार्यक्रम किया जाए, इस बात का सभी से जो है वो आग्रह है। विशेष रूप से हमारे जो अध्यक्ष हैं सुनील धर जी से, ये कार्यक्रम के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।